और लंबे वक्त तक बंद रहने के बाद अब बड़ी ट्रेनों के चलने की बारी है। कल यानी 12 सितंबर से शताब्दी और हमसफर समेत कई सुपरफास्ट ट्रेनें चलने जा रही हैं। कोरोना अपने चरम पर है और संक्रमितों की संख्या लाखों में है, लेकिन फिर भी देश भर में अनलॉक का दौर जारी है। ज्यादातर चीजें खुल चुकी हैं और जो बाकी थी वो भी खुलने जा रही है। सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की महसूस की जा रही थी वो थी भारतीय रेल, जिसके पहिए युद्ध के वक्त भी नहीं रुके। हालांकि कुछ ट्रेनें चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन ज्यादातर बड़ी ट्रेनें अब भी बंद। और इंडियन रेलवे ने 80 नई ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग गुरुवार यानी 10 सितंबर 2020 से शुरू कर दी। इन नई ट्रेनों में शताब्दी, हमसफर और एसी सुपरफास्ट समेत कई पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों के लिए तत्काल टिकट की बुकिंग भी शुरू हो गई है। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और अभी तक टिकट नहीं ले पाए हैं तो इन नई 80 पैसेंजर ट्रेनों में तत्काल टिकट बुक करवा सकते हैं। इसके लिए आप रेलवे स्टेशन के PRS काउंटर या IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट और ऐप से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं तत्काल टिकट यात्रा की तारीख से एक दिन पहले ही बुक किया जा सकता है। यानी अगर आप कल ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आज ही टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा गाड़ियों में तत्काल ई टिकट यात्रा की तारीख से एक दिन पहले ट्रेन चार्ट के तैयार होने तक बुक किया जा सकता है। ये ट्रेनें अब तक कोरोना के चलते बंद थी, अब जब ये चलने लगी हैं तो कई एहतियात और बदले हुए नियमों के साथ चलेंगी। इन एहतियातों में स्टेशन पर सामाजिक दूरी का पालन हर हाल में किया जाएगा, कोच में चढ़ने से पहले यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, संदिग्ध पाए जाने पर यात्रियों का टिकट रद्द करके उसे पूरा रिफंड दिया जाएगा। इसके लिए यात्री करीब 1.5 घंटा पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। यात्री को ट्रेन में भी फेस कवर, मास्क पहनना जरूरी होगा। वहीं मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी अनिवार्य होगा। यात्री ऑनलाइन, मोबाइल ऐप, पोस्ट ऑफिस, रिजर्वेशन काउंटर, आधिकारिक एजेंट, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और कॉमन सर्विस सेंटर आदि के जरिए ट्रेन टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। तत्काल टिकट बुक कराने के लिए यात्रियों के पास ID प्रूफ का होना जरूरी है। इसके अलावा एक साथ कई लोगों को यात्रा करने के लिए भी सिर्फ किसी एक व्यक्ति के पास ID होना जरूरी है। बहरहाल रेलवे की कोशिश है कि कोविड के चलते टिकट विंडो, प्लेटफॉर्म या किसी भी जगह पर भीड़ जमा ना हो। इसके लिए रेलवे अधिकारियों कर्मचारियों के लिए लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।